अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप साहब दोस्त खैरियत तो आप जैसे होंगे। दोस्तों मुबारक हो, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच गया। आईसीसी ने एक नया फार्मूला इजाद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जिसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमों को वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया है। जी हाँ, तो दोस्तों आपको ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करता चलूं कि इंडिया की बेईमानी अब किसी काम की ना रही, क्योंकि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। जी हाँ, तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि आईसीसी ने ऐसा कौन सा फार्मूला जारी कर दिया है जिसकी वजह से इंडिया और साउथ अफ्रीका बाहर हो गए, जबकि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुँच गई। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा कि आईसीसी ने कौन सा फार्मूला जारी कर दिया है। दोस्तों उससे पहले अगर आप दोस्तों ने छोटी सी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ, तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि आईसीसी के नए फार्मूले की बिना पर अगर पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका को ज्यादा रन रेट से मैच हरा दिया, जैसा कि 105 रन से अगर साउथ अफ्रीका की टीम को शिकस्त हो गई तो साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी। अगर इंडिया की टीम को भी 100 रन से शिकस्त हुई तो इंडिया की टीम भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। आप दोस्तों को क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम 105 रन से मैच हरा पाएगी साउथ अफ्रीका को या नहीं? आपको क्या लगता है कि इंडिया की टीम भी 100 रन से शिकस्त खा पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।